Hello, good morning students. I hope you all are fine. And today our topic is endomembrane system of the chapter cell that we were discussing. So in last class we discussed the cell wall and cell membrane. You can go through the link that I given in this video, and you can, if you have not watched that video, you can watch last videos and then come on this topic. So endomembrane system. Endomembrane का meaning क्या है कि भाई जो एक सेल है इसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं. लाइक दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भी मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स हैं उनकी भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. तो एक सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेनस सिस्टम हैं जिनके क्या प्रेजेंट हैं, अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. क्या बोलेंगे बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. आज हम किसको करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. किसको करेंगे बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल. होगा क्या, मान लो दिस इज अ सेल, ये क्या है एक सेल है. इस सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. कैसे होते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बेटा न्यूक्लियस. ये बाहर वाली मेम्ब्रेन ऐसे, और इसके क्या बने हुए होते हैं, पोर्स बने. ये बीच में क्या है, पोर्स. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसी से अराइज होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आपको इसको 3D में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस दिस, ठीक है, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो अंदर स्पेस होता है इनको क्या बोलते हैं, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने. क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने. और सिस्टर्ने के अंदर जो ये स्पेस है दैट इज लैमिनल स्पेस. क्या बोलेंगे बेटा इसको, लैमिनल स्पेस. ये क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे बनी हुई है सिस्टर्ने, और यहाँ पे क्या है आपका, लैमिनल स्पेस. जिसके फिर बात करते हैं रफ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या होगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स. क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स. यहाँ ऐसे ऐसे इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दीज आर द राइबोसोम्स. और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 18x. कैसे होगा, ये इसकी एक स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट. ये कैसे होती है, 60s एंड इट इज 40s. 60s और 40s कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, 80s. सो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स हैं वो कौन से टाइप के होते हैं बेटा, दे आर ऑफ 80s टाइप राइबोसोम्स. तो कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे और कुछ सेल्स के अंदर ऐसे फ्रीली प्रेजेंट भी होते हैं ऐसे. ये क्या है, दीज आर द फ्री राइबोसोम्स. तो जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट हैं, इस राइबोसोम्स, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम क्या करवाते हैं बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस. तो ऑब्वियसली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाना. क्या करवाना, प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाना, किसका काम होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. तो आपसे पता है नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सेल्स बताओ, वो सेल बताओ, मैं इसको इरेज करती हूँ यहां से, जो कि जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. नेम द सेल दैट हैज हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जहां पे प्रोटीन बनेंगे वहां पे रफ एंडोप्लाज्म का कंटेंट क्या है, ज्यादा. तो जिन जिन सेल्स में एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, एंजाइम बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, हॉर्मोन्स कौन से बेटा, प्रोटीन वाले हॉर्मोन. तो जहां भी प्रोटीन्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो, एंजाइम्स का प्रोडक्शन हो, इट मीन्स उनका नेचर कैसा है, प्रोटीनिशियस. वो किसके बने हुए हैं,
प्रोटीन के, और जहाँ पे जिन सेल्स में एंजाइम बन रहे हैं लाइक पेंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है उसमें एंजाइम्स हैं, तो वहाँ पे क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट ज़्यादा है उन सेल्स के अंदर। प्रोटीन के हॉर्मोन के एग्जाम्पल ले लो लाइक पेंक्रियाज जो हॉर्मोन रिलीज करती है, तो जहां पे भी प्रोटीनिशियस हॉर्मोन प्रोड्यूस हो रहे होंगे वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट क्या होगा ज्यादा होगा। देखो बेटा फ्री राइबोसोम्स, ये जो ये राइबोसोम्स हैं ये भी प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन सेल के अंदर ही यूज होते हैं। दीज प्रोटीन्स द प्रोटीन्स मेड बाय द फ्री राइबोसोम्स आर यूज्ड इन सेल ओनली, लेकिन जो प्रोटीन यहाँ पे बनते हैं ना उनकी क्या होती है फर्दर पैकेजिंग होती है, तो वो या तो सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी तो प्रोटीन जाते हैं, या वो सेल के बाहर जाते हैं। ठीक है, या तो सेल मेम्ब्रेन में जाएंगे और या आपके सेल के बाहर। तो ये फंक्शंस हो गए बेटा प्रोटीन सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब किसकी बात करते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मान लो यहाँ पे एक और राइबोसोम है सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके पास कोई राइबोसोम नहीं है तो ये तो प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, लिपिड का प्रोडक्शन, लिपिड प्रोडक्शन, लिपिड को बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है ये लिपिड का प्रोडक्शन करवाता है बेटा। ठीक है, लिपिड्स क्या है ऑयल वैक्सेस सबका नेचर क्या होता है फैट का। लिपिड क्या है बेटा फैट ऑयल वैक्सेस फैटी एसिड दीज ऑल आर द। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए वो सेल्स बताओ जिनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ज्यादा पाया जाता है, तो कौन सी सेल्स होंगी जहां पे लिपिड का प्रोडक्शन होता हो। तो एक तो लिपिड वाले हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स होंगे बेटा लिपिड वाले, कौन से होते हैं टेस्टीज जो रिलीज करती है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हो गया, ओवरीज, ओवरीज में जो हॉर्मोन रिलीज होंगे लाइक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, तो टेस्टीज और ओवरीज में किसकी ज्यादा अमाउंट होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, एक तो फंक्शन ये हो गया फर्स्ट फंक्शन लिपिड का प्रोडक्शन करवाते हैं, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सेकेंड फंक्शन क्या है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सेकेंड फंक्शन क्या है कि जो मसल्स वाली सेल होती है मसल सेल, मान लो दिस इज अ मसल सेल, तो इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है अपने अंदर, इट स्टोर कैल्शियम, स्टोर कैल्शियम आयन। तो जैसे ही मसल्स के पास न्यूरॉन्स क्या है लाइक दिस इज अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन क्या है यहाँ पे सिग्नल भेजती है। ठीक है, सिग्नल्स किसकी फॉर्म में आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे बाइंड होते हैं सेल के ऊपर जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, और जैसे इसके साथ रिसेप्टर बाइंड होता है तो यहाँ पे एन ए पॉजिटिव आता है सेल के अंदर, और जब एन ए पॉजिटिव आएगा तो सार्कोप्लाज्मिक क्या रिलीज करता है कैल्शियम आयन, और तभी हमारी मसल्स क्या कर पाती हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रोल क्या हो गया मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है बेटा, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या है, जो भी हमने ड्रग्स वगैरह ली हैं उसको डिटॉक्सिफाई करके, ठीक है, टॉक्सिफाई का मतलब टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी क्या होती है किसी चीज का हार्मफुल इफेक्ट, उसको खत्म करके उसको यूरिन में मिक्स करके और बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। जैसे कोई बंदा अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक पर्सन है, अल्कोहल लेता है, ठीक है, अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है OH, तो ये क्या करता है लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम OH को वाटर में सोल्यूबल बना देता है, OH को वाटर में सोल्यूबल बना देगा और किसके थ्रू पास आउट करवा देगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो जो भी अल्कोहलिक पर्सन होंगे उनके अंदर उनके लीवर की सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट क्या होगा ज्यादा होगा बेटा। ऐसे ही जो ड्रग एडिक्टेड बंदे होते हैं, जो ड्रग का एडिक्शन करते हैं, किसी को
को मॉर्फिन की आदत है, किसी को किसी चीज़ की आदत है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में कोई थोड़ी सी हल्की सी ड्रग लेना अगर स्टार्ट करता है ना, तो उसको वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, मीन्स एक बंदे ने कभी शराब नहीं पी और वो हल्की सी पी लेता है तो वो तभी टूल हो जाता है। लेकिन कुछ बंदे क्या जो कॉन्टिन्यूसली अल्कोहलिक हैं, तो अगर वो पूरी बॉटल भी कटक जाते हैं ना, तो दे डू नॉट हैव एनी इनसाइड। क्यों? क्योंकि उनकी लीवर के अंदर इतने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन चुके हैं कि वो डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं, डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं, और उनकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होती है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, वी डिस्कस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। कैसा स्ट्रक्चर है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। उनके अंदर जो स्पेस है दैट इज द लैमिनर स्पेस। दो टाइप के हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाते हैं और देन उसका ट्रांसफर करवा देते हैं गॉल्गी एपरेटस। देन बात करते हैं नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये लिपिड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो जो जिन सेल्स के अंदर लिपिड्स बन रहे हैं वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है। दूसरा, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है इन द केस ऑफ मसल सेल्स। एंड थर्ड, लीवर की सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है ऑफ ड्रग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।